तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही, आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से ओक ओवर में पुलिस कर्मियों से सीएम जयराम ठाकुर मिले। तो देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, जल्द मामले सुलझाने के लिए आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर ने दिया। दरअसल क्या है मामला विस्तार से बताएंगे आपको। बता दें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज की जगह दो साल में वित्तीय लाभ देने की मांग यहां पर पुलिस कर्मियों ने रखी है। सीएम ने अधिकारियों को हक दिलाने का आदेश दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी जयराम ठाकुर की आवाज पहुंचे थे। बात यह है कि इसी विषय को लेकर के पुलिस वाले हमको लगातार काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वास्तव में जो टेक्निकल इश्यूज उसमें है, तो पहले हमको यही जानकारी दी गई कि भी हमारी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग है और कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्टिंग को 8 साल से इसको भी 2 साल किया जाए। जब हमने डिपार्टमेंट के साथ बात की और फाइनेंस वालों के साथ बात की तो मालूम पड़ा कि पुलिस वालों की जो भर्ती है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती नहीं, रेगुलर बेस पर है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2013 से पहले की रिक्रूटमेंट के नियम कुछ और थे और 2015 के बाद जो रिक्रूटमेंट में उसमें जो भर्ती नियमों में और नियमों के साथ साथ में इनके जो सारे पे ग्रेड में और सारी चीज़ों में जो है उसमें कुछ चेंजेस के साथ उसमें किया गया। तो ये मामला उस वक्त इनके ध्यान में शायद नहीं रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में इनका अब अपना जो पक्ष है जो उन्होंने हमारे सामने रखा है, तो मैंने ACS फाइनेंस के साथ मीटिंग की और मीटिंग करके डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद तय हुआ कि इनके रिप्रेजेंटेटिव 2-3 रिप्रेजेंटेटिव आकर के अपनी बात को कहने के लिए जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और उसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद जो रास्ता निकलेगा वो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो मसला सुलझाने का आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर ने दिया है। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आज ओक ओवर पहुंचे, सीएम जयराम ठाकुर से मिले, उनकी मांग क्या है और आश्वासन फिलहाल सीएम की तरफ से दिया गया, इस खबर को लेकर विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए पुलिसकर्मियों की लगातार ये मांग है कि जिस तरह से JCC की बैठक हुई है, बीते कल ही ये बैठक हुई और बड़े अहम जो ये बैठक रही है क्योंकि 6 साल के बाद ये बैठक हुई है। कर्मचारियों की कई तरह की मांगे थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करने की बात हो या अन्य वेतन भत्ते हो, तमाम ये चीजें जो है वो रहने वाली थी। लेकिन इसी बीच बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं, हजारों पुलिसकर्मी हिमाचल प्रदेश में हैं और ये लोग अभी भी इसी बात की राह देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड इनका 8 साल का रखा गया है, क्या राज्य सरकार उसे अब कोई कम करने की बात यहां पर करेगी। पुलिस की मांग है कि ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है ये अब 2 साल किया जाए, क्योंकि अन्य जो और सरकारी जितनी भी नौकरियां लोग कर रहे हैं उनमें भी इसी तरह की रियायतें जो है वो दी गई हैं। तो इसी वजह से अब पुलिस को भी जो है वो 2 साल की यहां पर जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रखा जाए। इसको लेकर क्योंकि इसमें काफी टेक्निकल चीजें थी और इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्चुअल भर्तियां नहीं होती है, रेगुलर भर्तियां जो है वो पुलिस की यहां पर होती है, तो यही एक बड़ी वजह है जिस कारण से ये टेक्निकल इश्यू जो है वो बीच में फंस गया और इस पेच के फंसते ही अब पुलिस जो है अभी भी 8 साल का जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल जो पीरियड है वो अभी भी वैसे ही बरकरार है, जिसको लेकर नाराजगी पुलिसकर्मियों की तरफ से थी। लगातार ये बातें सामने आई क्योंकि JCC की बैठक में इसी वजह से ये मामला नहीं गया, जिस पे कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तमाम जितने भी पुलिसकर्मी हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, सेवाएं अपनी दे रहे हैं, उन्होंने मैथ में जो पुलिस की मैथ होती है वहां पर खाना खाना बंद कर दिया था। तो ये एक विरोध का एक बड़ी वजह ये रही और जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने, क्योंकि यहां पर जो है 1 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है वो होने वाला है पुलिस का, तो तमाम राज्य भर के पुलिसकर्मी जो है वो शिमला में ही थे, तो ऐसे में शिमला में पुलिस मुख्यमंत्री ने पुलिस के कुछ लोगों को जो है वो बुलाया और पुलिसकर्मियों ने भी यहाँ पर अपनी हाजिरी भरी और मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपना विरोध जो है वो जताया मुख्यमंत्री के सामने, मांग रखी है पुलिसकर्मियों ने। अब देखने वाली बात होगी कि आश्वासन जो सीएम की तरफ से दिया गया है कब पूरा होगा। विकास, आप हमारे साथ बने रहे, तो फिलहाल बड़ी खबर और तस्वीरें भी आपको ओक ओवर से दिखाई से